प्लांट में इस तरह कोई ग्रोथ ना होता है तो हमें थोड़ी हैरानी होती है दोस्तों, और प्लांट भी डल सा लगने लगता है। देखिए कैसा दिख रहा है। बट ये दोस्तों तूफान से पहले की शांति है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पॉपअप स्टार्ट होने ही वाला है, अभी कुछ दिन बारिश भी हुई है तो फिर ये फिर से जम जाएगा। पर इसे में हम क्या कर सकते हैं इसको हेल्प करने के लिए दोस्तों, तो इसमें हम कर सकते हैं दोस्तों डिफोलिएशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने पहले कुछ नहीं किया। सीजन में दो बार डिफोलिएशन तो लाजमी है, हम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये डिफोलिएशन करके मैं पिंच करूंगा और केवल उसको हम पिंच करेंगे तो कुछ और नई ब्रांच आ जाएगी और अच्छा भी दिखने लगता है दोस्तों। ये एक दूसरे प्लांट से एरियल रूट था, उसको मैंने सेपरेट कर लिया था, तो एरियल रूट से बना हुआ प्लांट है। यहाँ से मैंने किसी दूसरे प्लांट से मैंने उसको सेपरेट किया हुआ था। देखिए ये तो डिफरेंट लगेगा, तो यहाँ एक एक बार पिंचिंग कर देंगे, जिससे अब यहाँ जो भी ब्रांच आएगी तो सब ब्रांचों में दो दो ब्रांच आ जाएगी। तो दो दो ब्रांच आई तो उसको हम ज़्यादा करेंगे। और ये ऊपर से किया है, अगर यहाँ ग्रोथ होता तो यहाँ कहीं ब्रांच नहीं आएगी तो फिर उसको भी हटाएंगे, पर ऐसे में यहाँ थिकनेस हमें मिलती है। बट अभी के लिए हमें क्या करना है, यहाँ वायरिंग कर देते हैं जिससे प्लांट थोड़ा लुक वाइज अच्छा दिखे और उसमें जो कोई भी ग्रोथ होगा उसको लेके हम आगे चलना है। अब वायरिंग के बारे में बता दें कि हमें हर एक ब्रांच में अलग अलग वायर नहीं लेना है, इस तरीके से दोस्तों। थोड़ा वायर तो जाएगा पर इतना नहीं है दोस्तों, तो यहाँ इस तरह से लपेटा जाता है। तो वायरिंग कहीं से भी ले नहीं लेना है, ऐसे ही आप कहीं दूसरा वायर चाहिए तो ऐसे ही ले लेते। मैं दिखाता हूँ क्या होता है। अब यहाँ कहीं लपेट लिया ऐसे ही और फिर यहाँ से वायर ले लिया कहीं भी, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, तो लुक वाइज भी अच्छा नहीं आएगा। ये जो चीज है उसी को ही फॉलो करना है और यहाँ तक आना है, जो सेगमेंट खुलेगा उसी में यहाँ वायरिंग करना है इस तरीके से, तभी वायरिंग अच्छा लगेगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। वायरिंग से इंस्टेंटली कुछ नहीं अच्छा असर होता, केवल ब्रांचे हम प्लेस कर सकते हैं दोस्तों, और ब्रांचे प्लेस होने से ही प्लांट अच्छा लगेगा। अब यहाँ अकेली ब्रांच है तो अकेली मत समझिएगा उसको, यहाँ से कैसे भी ऐसे करके नहीं वायरिंग कर देना है उसको, उसके नज़दीक कोई एंकर पॉइंट ढूंढिए। तो ये भी है एंकर पॉइंट, तो हम यहाँ से करेंगे। तो प्लांट को केवल अच्छे से एंकरिंग करके ही वायरिंग किया जा सकता है। यहाँ हमने कुछ लपेट लिया तो फिर ये बहुत ही अच्छे से अटैच हो गया वायर। अब हमें उसको मोटी वाली ब्रांच से भी कुछ मूवमेंट लेके हमें इस तरीके से लपेट लेना है। तो वायरिंग की सिंपल मेथड है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ कम ब्रांच थी इसलिए मैंने सोचा चलिए वायरिंग भी दिखा देते हैं। बस फिर तो क्या है, जहाँ ब्रांच वहां टर्न या कैसे भी आपको अच्छा लगता है, आप कुछ ना कुछ मूवमेंट दे दीजिए प्लांट की ब्रांचों को, थोड़ी बहुत मूवमेंट दे देना है दोस्तों। और यहाँ कुछ रिदम सा लगे, ऊपर एक फ्लैट टॉप कैनोपी स्टाइल या कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। वायरिंग की जो दिशा है उसके मुताबिक ही हमें वर्क करना है, नहीं तो वायर खुलना नहीं चाहिए। और इस ब्रांच को थोड़ा और मोटा करना होगा इसके अनुपात में, तभी यह अच्छा लगेगा। तो धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा ये प्लांट। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, बताइएगा, कमेंट जरूर करना है दोस्तों। सब्सक्राइब आप पे है, करना चाहे ना चाहे, कोई जानकारी अच्छी लगी हो और आगे भी चाहिए तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।